वहीं इस परशुराम महाकुंभ के बाद लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि कार्तिकेय शर्मा ने ब्राह्मण समाज के लिए जो भी मांग रखी थी उसे सीएम मनोहर लाल ने पूरा किया है। महाकुंभ के दौरान सीएम मनोहर लाल की घोषणाओं को लेकर भी लोगों में खुशी देखने को मिली है। लोगों ने सीएम मनोहर लाल का आभार जताते हुए कहा इससे ब्राह्मण समाज का कल्याण होगा। वहीं कुछ लोगों ने प्रदेश में मेरिट के आधार पर नौकरियां देने के लिए भी सीएम मनोहर लाल को धन्यवाद दिया। आज का तो महाकुंभ भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था और पूरे हरियाणा से इतनी संख्या में लोग आए थे कि जो पंडाल जो टेंट वेंट लगाए गए सब छोटे पड़ गए। इतने ही लोग बाहर खड़े हुए थे, इतने अंदर खड़े हुए थे। भाई कार्तिक शर्मा जी ने पिछले एक महीने से अप्रोक्सीमेट हो गया, ज्यादा भी हो गया होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव गांव जाके लोगों को जागृत किया, उनको न्योता दिया और यहाँ पे उनको बुलाया गया। और आने के बाद जो भी कार्तिक साहब ने ब्राह्मण समाज के लिए जो डिमांडें रखी थी वो साहब खट्टर साहब ने सारी की सारी पूरी की है। घोषणाएं जो की हैं वो बढ़िया हैं, उसका आने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। जो इन्होंने आयुष्मान के 5 लाख तक का वो चला रखा है उसके बीमारी में जो लोगों के लिए है फैसिलिटी मिलेगी। देखिए भगवान परशुराम जी के आज जो ये यज्ञ एक महायज्ञ किया गया है, यह इसके मुख्य आयोजक जो है हमारे सांसद जो है कार्तिक शर्मा जी द्वारा किया गया और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या पर यहाँ लोग मौजूद थे। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा ब्राह्मण समाज के लिए या पूर्ण सर्व समाज के लिए की है ये सबके हित की है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसका लाभ जो है सभी समाज को मिलेगा। आज के सम्मेलन को लेकर मैं सबसे पहले पंडित विनोद शर्मा के पुत्र कार्तिक शर्मा को बधाई दूंगा और जो हमारी करनाल की टीम है माननीय अध्यक्ष जी सुरेंद्र बड़ोता और उनके साथी और जो करनाल के साथी हैं सब ने गांव गांव में घूम के इस प्रोग्राम को सफल बनाया और जो भगवान परशुराम महाकुंभ करनाल में हुआ और मुख्यमंत्री ने जो कार्तिक शर्मा ने मांगे रखी उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी जो उन्होंने माननी उनका भी बार बार तय दिल से हरियाणा की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो महाकुंभ था वो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, हमने गांव गांव में निमंत्रण दिए थे और जितना हमने सोचा था उससे डबल जनता आई है और मुख्यमंत्री जी ने सारी हमारी मांगे मान ली, उसके लिए हम आभारी हैं। और हम अब मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगे मान ली, आगे अब आने वाला जो समय है हम जनता में जाएंगे और जनता के बीच में मुख्यमंत्री जी की बात रखेंगे और हम ये चाहेंगे कि हरियाणा सरकार जिस प्रकार मेरिट के आधार पर नौकरियों को लगा रही है ये यूं का यूं सिलसिला तभी चल सकता है जब आगे भी बीजेपी की सरकार आएगी। तो हम इस सरकार के साथ हम देंगे ब्राह्मण समाज को सरकार के साथ जोड़ेंगे।